आज हम बनाएंगे शाही पनीर। उसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर को चौकोर टुकड़ों में ऐसे काट लिया है। ग्रेवी के लिए मैंने 7 से 8 काजू, 5 से 6 बादाम, 2 टमाटर, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियां जो बड़े साइज की हैं, 2 बड़े प्याज और मिल्क क्रीम। गैस जला के हम पैन को रखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और इन सबको हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद फिर हम सैलो फ्राई करेंगे। जीरा डालेंगे, 2 लौंग डाल रही हूँ, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ जो मैं भूल गई थी बताना, इसको भी डाल देंगे इसी में। लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे, बादाम, काजू, प्याज, प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, इनको बस हमें हल्का सा फ्राई ही करना है। टमाटर डाल देंगे, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम गैस जलाएंगे और उसी पैन में हम फिर से तेल डालेंगे। ये मसाले मैंने मिक्सी जार में सब अच्छे से पीस लिए हैं। अब हम इसमें ये हल्दी डाल देंगे। और ये पेस्ट भी डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जिस मिक्सी जार में मैंने मसाला पीसा था उसी में मैंने पानी डाल के अच्छे से धो के पानी डाल दिया ज़रूरत के अनुसार। शाही पनीर है तो इसको बहुत पतली ग्रेवी ना बनाएं, गाढ़ा ही बनाएं। जब इसमें 2-3 उबाल अच्छे से आ जाएगा फिर हम इसमें कटे हुए पनीर डाल देंगे। अब हम इसको ढक देंगे। ग्रेवी में हमारे बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये कटे हुए पनीर मिला देंगे। आप चाहें तो पनीर को अच्छे से घी या तेल में सैलो फ्राई करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी को हल्का सा रगड़ के इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको अच्छे से मिला देंगे। थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। शाही पनीर बन गया है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी मिल्क क्रीम डाल देंगे। शाही पनीर बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में पलट लेंगे। गार्निश के लिए हम इसमें ऊपर से मिल्क क्रीम डालेंगे।
ये देखिए शाही पनीर बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी शाही पनीर बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।